हरियाणा के पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। मानेसर लैंड स्कैम मामले में पंचकुला की विशेष सीबीआई कोर्ट में वो पेश हुए। वहीं एजेएल प्लॉट आवंटित मामले में आरोपी मोतीलाल वोरा का स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के चलते कोर्ट में वो पेश नहीं हो सके। उसमें आज चार्ज पे आर्गुमेंट आनी थी, लेकिन मिस्टर संजय सुधीर जो इस हार से आने थे, वन ऑफ दी काउंसल्स, वो न्यास के, और मिस्टर गांधी भी, उनकी भी तबीयत ठीक नहीं है। कोर्ट में आरोपों पर बहस शुरू हुई, लेकिन चार्ज पर बहस नहीं हुई। वहीं सीबीआई ने एजेएल मामले में जुड़े दस्तावेज बचाव पक्ष को दिए। इन दोनों मामलों पर अब 22 अगस्त को सुनवाई होनी है। एजेएल में अभी आर्गुमेंट चार्ज पे उसके लिए रिक्वेस्ट की थी सभी आरोपियों ने, और उसके लिए 22 तारीख के लिए वो भी फिक्स कर दिया है, दोनों केस 22 के लिए लगा। आपको बता दें कि पूर्व सीएम हुड्डा पर उनकी सरकार के कार्यकाल के दौरान करीब 900 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर उसे बिल्डर्स को औने पौने दाम पर बेचने का आरोप है। इस मामले को मनोहर लाल सरकार ने सीबीआई को सौंप दिया है। सीबीआई ने हुड्डा सहित अन्य 34 लोगों के खिलाफ 17 सितंबर 2015 को मामला दर्ज किया था। उसी मामले में सीबीआई की विशेष अदालत में सुनवाई हो रही है। R9 TV के लिए पंचकुला से तारा ठाकुर की रिपोर्ट।